Good evening guys and welcome back to another video of Desi Nomad. मैं अभी तक confused हूँ कि इसे video बोलना है या vlog बोलना है, वो तुम लोग decide करो. लेकिन जैसे कि देख ही रहे हो कि हम लोग अभी निकल रहे हैं रात को. मैं गुड इवनिंग बोलने वाला था बट आई एम स्टिल कंफ्यूज कि उसे गुड इवनिंग बोलना चाहिए गुड नाइट बोलना चाहिए, बिकॉज 9 बज के गए, नहीं 9:30 बज के गए. अपने मुंबई पूरे का ट्रैफिक एज यूजुअल वैसे का वैसे भरा हुआ है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जिससे अपन कभी खाली रहने की उम्मीद तो कर नहीं सकते. क्या कर रहे हो चाचा? पिछले 10 साल से आस लगाए बैठा हूँ कि कभी तो ये रास्ता ठीक हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि अगले 10 साल तक भी ये ठीक होगा. यहाँ पे ना पोर्टल्स नहीं है, लेकिन ना जैसे पता है रास्ते ना ऐसे कहीं पे डांबर ज्यादा डाला है, कभी कहीं पे कम डाला हुआ है, तो इट्स लाइक बहुत एकदम ऐसा अनइवन सा रोड हो चुका है. बाय द वे अपन को ब्रिज नहीं चलने का है, हमें पेट्रोल भरना है, तो वी नीड टू गो डाउन. कोरोना गया भाड़ में नाचो, इसको मुंबई कर की मुंबई कर कैसे स्पिरिट बोले या बेवकूफी पता नहीं, लेकिन वी नेवर बैक डाउन. बाय द वे हम लोग अकेले नहीं है आज, मतलब मैं और निम्बस अकेले नहीं है आज. अपने पास बाइकर्स रेसिडेंसी और उसका ड्रीम है, तो वी विल बी वेटिंग फॉर अस एट गोरेगांव. यस, लेकिन इससे पहले अपन को यहाँ पे पेट्रोल भरवाना है. क्या 100 रुपये की पट्टी हमें तो यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए. चलो 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 चचा चलो. अब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये वाला जो पार्ट है ना यार, कमाल की ठंडी है. अगर आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पे थोड़ा ऐसे फॉगी फॉगी भी है, दैट इज बिकॉज मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है ना वो पूरा जो पार्ट है, दैट इज आई कॉल मी. कितना है आज? 9 आएगा. अरे मेरा किचन देखा कि नहीं तुम लोग ने? नाक शक्ति का बारे से तुम्हारा भाई 150 का. और ये आ गया अपना बाइकर कैफे नीचे, इधर आधा घंटा खड़े रहने के बाद भाई आ गए. भाई साहब को देख रहे हो जीटीए खेल रहे जीटीए. बाय द वे गाइस मैंने ना एक चीज बहुत नोटिस की है, पता नहीं क्यों लोगों ना जब ये S200 को देखते वो देखते ना पहले तो 10 मिनट पहले समझ में आता नहीं कि कौन सी बाइक है. ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एकदम बोलते ना हार्डकोर फैन जैसे, उन लोग को भी ऐसे समझ में आ जाता है कि यार दिस इज S200. अरे भाई 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 इतना धुआं. तो पॉइंट यही है कि यार अभी क्या बोलूँ, तुम बजाज वालों ने इसे चांस ही नहीं दिया मार्केट में खेलने का, तो इतनी सही बाइक थी कि क्या बता. ये जो रोड है ना इससे बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हुई है मेरी. 2013 में मैं यहाँ पे जॉब पे जाता था लोअर करल में, और ये वाला जो रास्ता था ये मेरा यूजुअल वे था. तो काफ़ी मज़ा आता रहा यहाँ पे ट्रैवल करने. और ना 2013 में ना मेरे पास जो बाइक थी दैट वाज सबसे फर्स्ट जनरेशन वाला पल्सर 150 GT.
Look at this place. ये पता नहीं हम लोग को इधर बाइक लगाने के लिए कहाँ पे मिलेगा। देखो सीएसटी का फोटो नहीं निकालने का। तो किधर हो? किधर हो? सामने से कहाँ पे पॉइंट? रुकने का पॉइंट कहाँ पे? तो चल। वही बोल रहा हूँ। बाइक रुका सकते ना उधर? बाइक रुकाने के लिए चल। लाइक आई वाज सेइंग मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पे पार्किंग एंड ऑल। तो दिस गाय इज द लीडर। पता नहीं क्यों मैं चौथे गियर में इतना स्लो क्यों चला रहा हूँ। अपने यहाँ पे ना, अपने यहाँ पे इतनी शांति कहीं नहीं मिलेगी। वाओ ड्रैकुला का किला। लो भाई पहुंच गए सीएसटी। आई डोंट थिंक हम लोग को यहाँ पे ज्यादा टाइम रुकने मिलने वाला है बिकॉज हम बीच रोड पे एंड आसपास पुलिस भी है। क्या चीज बनवाई है भाई, तो देख के ना बहुत सही लगता है। देखो मुंबई के नाइट राइड पे निकले हो और यहाँ पे ना हो तो मतलब नहीं। ये ना फिर टेक्निकली मैंने यहाँ पे रात को एक ही बार आया था, वो भी रात नहीं थी, इट वॉज 4 o'clock इन द मॉर्निंग जब मैं रतनगढ़ जा रहा था ट्रेन पे, सी एस टी से ट्रेन पकड़ नहीं सॉरी आई एम सॉरी वो रात के 12:30 की ट्रेन थी राइट, मैं रात को ही आया था। आई एम रियली सॉरी। तो वो टाइम पे भी काफ़ी मस्त माहौल था और वो टाइम पे ना हम लोग वहाँ पे जा सकते थे, बट अभी कैसे पता है कोविड की वजह से बंद करके रहते हैं, जाने का रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ पे पुलिस ने ऑलरेडी नाकाबंदी करके रखी थी। रात में आ रहे थे इधर आना चाहिए। तो नाउ वी आर थिंकिंग टू गो टू मरीन ड्राइव एंड उसके बाद बाबा पड़ता है। लेट्स गो। बंद रहेगा बाबा फालूदा? बाबा फालूदा बंद रहेगा? चलेगा देखते हैं। चल तो टाइम आ गया इस खूबसूरत से इमारत को बाय बाय बोलने का। ठीक है फिर मिलेंगे। कहाँ से है भाई? अरे मरीन ड्राइव कहाँ से? चल क्या तो चल चल फिर। ठीक है चल। इन्हें अभी पक्का मेरे को गाली देने वाले क्योंकि ये हम लोग को समझ को लगा कि हम लोग सीधा सीधा जा रहे थे कि बाबा खाली था और मैंने उसको बोला कि चल मरीन ड्राइव चल दे ये कम लेगा। आने दे बोलना भी मुंबई वाला नवीन है। मुंबई वाला नवीन है। यार मरीन लाइन हम पहुंच तो गए लेकिन पुलिस वाले रुकने दे नहीं रहे तो मतलब नहीं यहाँ पे अभी रुक के। अदरवाइज क्या बताओ क्या सुंदर नज़ारा।
इट्स टोटली वर्थ इट यहाँ पे रुकने के लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पैदल आए दे कैन स्टे बिकॉज पार्किंग इज नॉट अलाउड. और मुझे भी किसको पकड़वाना है तो आई थिंक ये जिसको मेरे को बाबा फालू का भी खाना है. पहले मेरा ऑफिस का टाइमिंग था सम इवनिंग 6 to 3 मॉर्निंग 3. तो कई बार ऐसे होता था कि हम लोग ना ऑफिस से निकल के फर्स्ट ट्रेन पकड़ के सीधा इधर आ जाते. हार्डली 45 मिनट्स लग जाता था अंधेरे से चर्च गेट आने में. और यहाँ पे सनराइज तो देखना मुश्किल है बिकॉज दिस इज वेस्ट, यहाँ पे सनसेट होता है. बट मून सेट भी कभी कभी देखने मिलता था. मून जो है ना पूरा ऐसे रेडिश रेडिश हो जाता था, विच इज अगेन अमेजिंग फेनोमेना. या करती थी जब मैं छोटा था तभी. मुझे समझ नहीं आ रहा इसने ये टाइम क्यों लिया. हम लोग तो बाबा फादर का खाना था. हो गया बंद, नसीब खराब. हाँ ना 2 बजे तक चालू रहते. कितना बजे अभी? 1:15 ही बजे. मिनी के ऊपर मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि क्या है वॉकिंग कौन सा है वो स्विफ्ट सॉरी का ओल्ड मॉडल. तो अभी ऐसा है कि हम लोग ने फालूदा खा लिया. यस लकीली मिल गया. क्या था ये? ऐसे चलाने मजा आता है कुछ भी बोले. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. दिस इज देसी नोमैड विद बाइकर्स रेसिडेंसी साइनिंग ऑफ नाउ. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड हो सके तो शेयर. और ये सब ना करो, नहीं करना है ना क्यों करना. इसी के साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब टू देसी नोमैड मोर ऑसम कंटेंट टू वन गाइस एंड बाय फॉर नाउ. मिलते हैं अगले वीडियो में.